और आज एक और एसोसिएट का रिकॉर्ड हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो अपने टैली के साथ कोई जोड़ना नहीं पसंद करता, लेकिन अनचाहे रिकॉर्ड्स में से एक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स तो हैं। तो चलिए ये इस रिकॉर्ड की भी शुरुआत करते हैं। एसोसिएट की सारी क्रिकेट अपडेट्स और रिकॉर्ड्स लगातार हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल्स। जी हाँ, मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल्स की अगर हम बात करें ओडीआई और टी20आई में एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से, तो टॉप फाइव बॉलिंग स्पेल एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल्स फ्रॉम ओडीआई और टॉप फाइव एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल्स फ्रॉम टी20आई, ये कैटेगरी हम आपके सामने लेकर हाजिर है। सबसे पहले जान लेते हैं ओडीआई में टॉप फाइव मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलिंग स्पेल्स कौन कौन सी है। शुरुआत पांचवें से करके नंबर वन तक चल रहा है। बिल्कुल, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे केनियन बॉलर। जी हाँ, केन्या के बॉलर हैं एल उनियांगो। जी हाँ, ये इनका नाम है एल उनियांगो। जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्होंने 10 ओवर में 91 रन दिए थे। जी हाँ, 10 ओवर में 91 रन, फिफ्थ नंबर पे एल उनियांगो फ्रॉम केन्या। जी हाँ, अगर हम बात करें चौथे नंबर की टीम। बिल्कुल, चौथे नंबर पे यहाँ पे डब्ल्यू स्टर्लिंग। जी हाँ, स्टैलिंग, माफ कीजिएगा, डब्ल्यू स्टैलिंग नीदरलैंड्स। जी हाँ, डब्ल्यू स्टैलिंग नीदरलैंड से हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था ये, जिसमें उन्होंने 91 रन और 2 विकेट्स लिए थे 10 ओवर। जी हाँ, ये इनका स्पेल था, बहुत रन दिए हैं श्रीलंका के खिलाफ। और ये तो बात हो गई दो पायदान की, अब अगर बात करें तीसरे और दूसरे नंबर पे कौन से प्लेयर्स हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव रहे हैं ओडीआई में अब तक एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से। बिल्कुल, थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ नामीबिया से। जी हाँ, नामीबियन बॉलर वैन वुरन है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 ओवर में 92 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं है। जी हाँ, तो ये इनका रिकॉर्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपेंसिव कुछ ज्यादा ही ओवर डाल दिया। जी हाँ, अगर हम बात करें अब दूसरे नंबर के प्लेयर के बारे में, तो जानते हैं कि वो प्लेयर कौन से हैं। बिल्कुल, दूसरे नंबर के प्लेयर मैं नहीं चाहता था कि ये यहाँ पे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। जी हाँ, नीदरलैंड के बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं पीटर बोरेन। जी हाँ, उन्होंने ये रन दिए हैं श्रीलंका के खिलाफ 10 ओवर में 94 रन। जी हाँ, एक विकेट निकाला था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे हैरानी करता है कि ये यहाँ है हमारे। कहीं ना कहीं वो डब्ल्यू स्टर्लिंग जो नीदरलैंड से आपने बताया, कहीं ये वही मैच तो नहीं है पिटर बोरेन और डब्ल्यू स्टर्लिंग का, या फिर अलग अलग मैच है? सीरीज, जी आपने छह याद दिलाया, ये सीरीज एक है, लेकिन ये इतना टाइम। जी हाँ, मुझे लगा कहीं इन दोनों ही बॉल्स को एक ही मैच में इतनी धुलाई करी। सीरीज, चलिए अब बढ़ते हैं एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से ओडीआई में मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर आज तक का, जानते हैं कौन सा। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड है बर्मुडियन बॉलर के नाम आर लेवरॉक। जी हाँ, आर लेवरॉक फ्रॉम बर्मुडा, इन्होंने इंडिया के खिलाफ, जी हाँ, इंडियन टीम के खिलाफ 10 ओवर में 96 रन दिए और एक विकेट निकाला था। तो ये है एसोसिएट की तरफ से सबसे एक्सपेंसिव स्पेल डालने वाले बॉलर आर लेवरॉक फ्रॉम बर्मुडा। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये मैच तो मुझे लगता है मैं शायद गलत नहीं हूँ, इंडिया के खिलाफ वही 414 वाला मैच है। जी हाँ, तो क्या ये थी मोस्ट एक्सपेंसिव ओडीआई बॉलर्स टॉप फाइव एसोसिएट की तरफ से। अब आ जाते हैं टी20आई यानी फास्टेस्ट मोड में, टॉप फाइव टी20आई में मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से डालने वाले टॉप पांच प्लेयर्स आखिर कौन से हैं। सर, सबसे पहले जान लेते हैं पांचवें, चौथे और तीसरे नंबर के प्लेयर के बारे में। बिल्कुल, इतना मैं साफ कह देता हूँ, इसमें एक टीम डोमिनेट कर रही है, अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं, जो कि खराब है। जी हाँ, एसी कॉस है। जी, एसी कॉस ये फिफ्थ नंबर पे है, टर्की के बॉलर। जी हाँ, टर्की के बॉलर है, इन्होंने रोमानिया के खिलाफ 4 ओवर का स्पेल होता है, 62 रन, 2 विकेट लिए थे, 62 रन, पांचवे नंबर पे ये है। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो डी मॉर्गन, ये है मलेशियन। जी हाँ, मलेशियन बॉलर डी मॉर्गन, इन्होंने नेपाल के खिलाफ टी20आई की बहुत जबरदस्त टीम, 4 ओवर में 63 रन, कोई विकेट नहीं, वर्सेस नेपाल इसी साल। जी हाँ, आप सही याद कर रहे हैं, आप मैच हुआ था ये, फोर्थ नंबर पे डी मॉर्गन फ्रॉम मलेशिया। जी हाँ, अगर आप बात कर लें तीसरे और दूसरे नंबर के प्लेयर जिन्होंने टी20आई में अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर डाला है एसोसिएट्स की तरफ से। बिल्कुल, तीसरे नंबर पे यहाँ पे है टर्कियन बॉलर एबी दुर्सक। जी हाँ, एबी दुर्सक, इन्होंने चेक रिपब्लिक के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया था, 4 ओवर में 64 रन, कोई विकेट नहीं। जी हाँ, दुर्सक, एबी दुर्सक फ्रॉम टर्की। जी हाँ, शायद ये मैच में अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो शायद वही वाला मैच है जिसमें सुदेशा विक्रमारे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी, शायद ये वही मैच। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर के मोस्ट एक्सपेंसिव टी20आई एसोसिएट बॉलर्स की तरफ। बिल्कुल, दूसरे नंबर के बॉलर है सर्बिया से। जी हाँ, सर्बियन बॉलर है वो एम आर डॉर्गन, ये इनका नाम है एम आर डॉर्गन, इन्होंने बुल्गेरिया के खिलाफ
जी हाँ, 4 ओवर में 66 रन 1 विकेट निकाला था, तो बहुत ही खराब स्पेल ये बुल्गेरिया के खिलाफ सर्बियन बॉलर एमआर डॉर्ने। जी हाँ, चलिए ये बात हो गई चार प्लेयर्स की। T20I में एसोसिएट प्लेयर्स की तरफ से आज तक का मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर जो रहा है वो किसका है, किस टीम से है वो और किन के खिलाफ आए थे वो रन, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल, वो है मैंने आपसे जैसे कहा था डोमिनेट कर रही है एक टीम और ये टीम अब डोमिनेट करेगी, वो है टर्की। फिर से टर्कियन बॉलर तेहरान तुरन, जी हाँ ये इनका नाम है। इन्होंने चेक रिपब्लिक के खिलाफ, जी हाँ, इन्होंने 4 ओवर में 70 रन दिए थे, 4 ओवर में 70 रन 1 विकेट। ये एसोसिएट की तरफ से सबसे ज्यादा कंसीड करने वाले बॉलर हैं और इनका नाम है तेहरान तुरन फ्रॉम टर्की। जी हाँ, और ये भी वही मैच है जहाँ पे T20I में सबसे हाईएस्ट स्कोर बना था 278 का, चेक रिपब्लिक वर्सेस टर्की के मैच में। फिलहाल इस रिकॉर्ड्स में इतना ही, बनी डेली के साथ ऐसी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स और आपके लिए आते रहेंगे। हमारे कम्युनिटी ऐप को भी लगातार चेक करते रहिए, वहाँ पे कंप्लीट क्रिकेट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी, किसी भी कोने से हो, कैशियट से हो, चाहे इंटरनेशनल से हो, टेस्ट प्लेयर नेशनल से, कहीं से भी हो, सारे क्रिकेट अपडेट्स कम्युनिटी ऐप को लगातार फॉलो करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और बनी डेली क्रिकेट के साथ सारे क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी।